सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अक्सर समाज सेवा में तत्पर रहती है। जब कहां भी जरूरत पड़ती है समाज सेवा के लिए तो इनका नाम आदरणीय से और आगे हर जगह इनका नाम लिया जाता है, समाज सेवा के लिए तत्पर रहती है। ये है रितु जी शर्मा। मैं गीतु शर्मा शादी के बाद जयपुर आई हूँ। मैम आपका जन्म स्थान कहाँ से है? मैं कलकत्ता से हूँ, कलकत्ता में ही मेरा जन्म हुआ है, पढ़ाई लिखाई कॉलेज सारी वहाँ से हुई, शादी के बाद मैं जयपुर आई हूँ। मैम आपका प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ से चालू हुई है और कहाँ जाके इसका मोड आपने लिया था? मेरा बचपन और मेरा जन्म स्थल कलकत्ता से ही हुआ है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, वहीं मेरी सारी शिक्षा पूरी करी है मैंने। उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरी शादी करी मेरे पेरेंट्स ने, हम लोग 6 भाई बहन हैं। और उसके बाद क्योंकि सारे हमारे जो रिश्तेदार हैं और जो मेरे फादर और मदर के जो भी नेटिव प्लेसेस थे वो राजस्थान में थे, तो मेरे फादर की इच्छा थी कि रिश्ता जयपुर में ही हो या राजस्थान के ही कहीं जगह पे हो, क्योंकि फिर कलकत्ता तो हमारा छूट जाएगा। तो हमने फिर शादी के बाद मैं जयपुर आई। गीतू जी जब समाज सेवा में नाम आता है तब आपका नाम भी अक्सर लिया जाता है, ऐसा क्या उद्देश्य था जो कि आप समाज सेवा में आपको आना पड़ा? हाँ ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं अपने कामों में नए मेरे जो जीवन शुरू हुआ था उसमें मैं बिल्कुल बिजी हो गई थी, और बड़े अच्छे ढंग से मेरे जो ससुराल वाले हैं जो मेरे पति हैं वो सारे बहुत सपोर्टिव हैं, और बड़ी कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं एक दूसरे शहर से आके और राजस्थान में मैं नई जगह में मैं आई हूँ, इतना प्यार और सम्मान मिला। फिर अपने जो भी कार्य होते हैं और जो भी चेंजेस होते हैं जो भी नई जीवन की चीज़ें शुरू होती हैं वो सारे मैं आराम अच्छा इंजॉय कर रही थी। उसके बाद मेरा मूड जो मेरे काम करने की इच्छा जो बचपन से जो मेरी शुरू थी कि मुझे कुछ करना है, पढ़ाई भी करना है, घर के काम होते हैं, आस पड़ोस के जो भी रोल होते हैं वो सारे, उसके अलावा भी मुझे कुछ करना है और जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं या किसी की मदद कर सकूं, तो मैंने जब मेरा मोड उस समय जब शुरू हुआ तो मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, जो मेरे थर्ड नंबर के ब्रदर हैं 2008 में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लग गया कि जीवन में सिर्फ ये सिर्फ ऐसे ही जीवन निकालना मुझे लगता नहीं है कि सही है, मुझे कुछ करना है कुछ करना है, ये मन में मेरे आता रहता था ख्याल। और मैंने अपनी इच्छा अपने पति से बताई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा क्या करना चाहती हो तुम, सब कुछ अच्छा कर रही हो और फिर घर पे कुछ शुरू कर लो ताकि तुम्हारा मन लग जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं योगा मैंने पूरी क्लासेस मैंने पूरा उसमें शिक्षा ले रखी है, योगा का पूरा कोर्स कर रखा था तो मैंने वही शुरू की। तो शुरुआत में मेरे पास एरोबिक्स की क्लासेस बहुत ज़्यादा होती थी, मेरी चार चार क्लासेस चलती थी और वो क्लासेस मेरी बहुत अच्छी चलने लगी और लोग बागों को लड़कियों को बच्चियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। फिर धीरे धीरे मैंने जो डिज़ीज़ जिनको होती है जिनके शरीर में पेन होता है या किसी प्रकार की बीमारी से वो ग्रस्त होती हैं ऐसी महिलाओं का मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया योगा से जो मैंने सीखा था, तो उससे काफ़ी लोगों को आराम मिला मदद मिली। और जो आपका प्रश्न था ये इससे मेरा और चालू हो गया कि मुझे बड़ी खुशी मिलने लगी उस काम से कि हाँ चलो मैं कुछ कर रही हूँ और कि उनको किसी को फ़ायदा हो रहा है उससे, तो ये कार्यक्रम चलता रहा और आज काफ़ी मेरे दो सेंटर्स हैं
योग दर्शन के नाम से, जिसमें न सिर्फ मैं लोगों को पतला करने के लिए क्लासेस में प्रेरणा देती हूँ, बल्कि मैं उनको काफ़ी डिजीज़ फ्री योगा के लिए प्रेरणा देती हूँ कि वो आप करें और आपके डिजीज़ आप खुद का स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रख सकते हैं, खुद के रोग खुद ही दूर कर सकते हैं। जब आप योगा चलाते थे और चलाते भी हैं, तब आपको किसका योगदान ज़्यादा रहता है? मेरे पूरे परिवार वाले मेरा सहयोग देते हैं, उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। और कई बार मैं ऐसे कई बार सोचती हूँ कि चलो बहुत हो गया और आज मैं क्लास में नहीं जाऊँगी, और तो मेरे पति सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, तुम्हें क्लास में तो जाना ही होगा और ऐसे नहीं, तो वो मुझे पीछे बैकबोन के जैसे बड़ा मेरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब वो आपको सपोर्ट करते हैं या मतलब आपको ऊपर एक जिम्मेदारी सी थोपते हैं? नहीं, उनको जिम्मेदारी कोई नहीं थोपते, उनको उनके लिए है कि वो खुद भी अपने काम में बहुत ही डेडिकेटेड हैं, तो उन्होंने कहा है कि उनका ये मानना है कि जब तुम किसी काम को शुरू करा है तो बड़ी डेडिकेशन से करो, अगर तुम आलस करोगी या तुम नहीं करोगी तो लोगों को और फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो मुझे बड़े एक्टिव घर पे भी और क्लास में भी देखना पसंद करते हैं। अभी आपने ब्लड बैंक का काम चालू किया है और लोग आप यहाँ वहाँ कहीं भी दूर दूर तक जाते हैं, तो उसमें आपके जो हस्बैंड हैं कभी आप पे अंगुली उठाते हैं कि आप लेट आई हो या ये यहाँ जा रही हो वहाँ जा रही हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? इस बारे में मैं आपको पूरी बात शुरू से बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने योगा शुरू किया और 12 साल से मैं योगा की क्लासेस ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि योगा की क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग सिर्फ दो टाइम पे और दो दो घंटे की क्लास होती है, तो जब मेरे आज दोनों बच्चे सेटल हैं तो फिर मेरे पास अभी बहुत सारा समय मेरे खाली रहता है कि मैं और भी इसके अलावा, योगा के अलावा, घर के काम के अलावा भी कुछ करूं। तो मैंने ये बात फिर मेरे हस्बैंड से कही, उनका वो था जो उन्होंने मेरे को रिएक्शन दिया, उन्होंने ये कहा कि तुमने कहा कि तुम्हें बिजी होना है घर के काम के अलावा और कुछ करना चाहती हो, तो ये क्या कम है, इतना अच्छा कर रही हो, लोग आ रहे हैं, लड़कियों और लेडीज़ें आ रही हैं, तुम इतना डेडिकेशन के साथ काम करती हो, अब तुम्हें किस टाइप की जॉब की क्यों शुरुआत तुम करना चाहती हो, क्यों जॉब करना है? तो जनरली क्या होता है कि जॉब लोग ढूंढते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल के तरफ भी देखते हैं, थोड़ा सा सपोर्टिंग करें फैमिली को, तो आज भगवान के दया से ये दोनों ही चीज़ें नहीं थी मेरे उसमें जॉब करने के उसमें। मैंने इसलिए शुरू करना चाह रही थी कि मैं अपना समय और लोगों की समाज सेवा में और लोगों के लिए दे सकूं। समाज सेवा में काम करना? हाँ, तो समाज सेवा ही कर रही हूँ, जो मेरे को जॉब मिली है ये जॉब क्या है, समाज सेवा ही है। ज्वाइन करने के बाद जब मैंने देखा कि वहाँ पे जैसे कोई ब्लड यूनिट्स लेने आए थे, मैं इस काम को धीरे धीरे समझना जब मैंने चालू किया तो देखा कि ब्लड यूनिट्स लेने आए थे और एक लेडी जो थी उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बीमार है और जो रेयर जो ब्लड यूनिट होता है वो हमारे आप लोग उनकी उनको चार यूनिट्स चाहिए थी। ऐसा कौन सा ब्लड है जो रेयर होता है? ओ नेगेटिव, जो हमारे पास बहुत कम होता है और मेरे ख्याल से सारे ब्लड बैंक्स में उनकी कमी रहती है, तो उन्होंने कहा मुझे चार यूनिट चाहिए और ब्लड बैंक में उस वक्त सिर्फ दो यूनिट्स थी। वो चली गई दो यूनिट लेके, लेकिन मैंने जब पूछा अपने डॉक्टर्स और टेक्नीशियन से कि उन्होंने चार मांगा था तो अपन ने चार क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास होता तब देते ना, हमारे पास है ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे और पुश करी काम करने के लिए कि अब मैं करूँगी इसको और जितना मेरे से हो सकेगा मैं लोगों के पास जाऊँगी और बोलूँगी रक्तदान शिविर लगाइए, ताकि वो सारे रेयर जो ब्लड यूनिट्स होती हैं वो भी बैंक में आए और लोगों को हम दे सकें। मेरा कहना ये है कि जब आपका आपके आने से पहले कितना ब्लड बैंक था और अभी कितना बढ़ गया है, कुछ प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ? तो हाँ, मैं चेक करती रहती हूँ, तो कुछ स्टॉक्स में बढ़ोतरी होती है जो रेयर ग्रुप्स नहीं होते हैं, और कुछ रेयर ग्रुप हैं उसमें थोड़ी सी मेरी कोशिश रहती है और हाँ उसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। तो वो लोग बताते हैं या आप पूछते हैं? हमारे पूरा टीम वर्क है, पूरी रोज की रिपोर्टिंग रोज होती है। गीतू जी, आप ऐसे कोई दो इंसान का नाम बताइए जो आज तक आपकी हेल्प करते आए हैं। देखिए, बचपन में तो माँ बाप होते हैं, मैं अपने पापा की बहुत लाडली रही हुई हूँ और मेरे पापा
जो संस्कार है वही मैं लेके चलती हूँ और हर जिंदगी मुझे उसी का सहारा है। फल की आशा तो मुझे ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन हाँ कर्म की चेकिंग मैं ज़रूर करती रहती हूँ कि रोज़ सुबह से लेकर रात तक मैंने ऐसा क्या किया जो कल मुझे नहीं करना है। और ये सब देखिए, हम तो जरिया हैं, अगर ये रक्त किसी की जान बचती है और किसी का सहयोग होता है और सेवा होती है तो हम तो जरिया हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन डोनर्स के वजह से ये काम होता है। दूसरे महानुभाव, दूसरे तो देखिए मेरे पति हैं मेरे सपोर्टिव। आप तो कह रहे थे आपके पति सपोर्टेड नहीं करते। नहीं देखिए, वो सपोर्टिव नहीं है क्योंकि इस ये नहीं कहा मैंने कि वो सपोर्टिव नहीं है, उन्होंने अपनी मेरे को आपके लिए सपोर्टेड नहीं है वो। नहीं, मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग है, तभी तो उन्होंने ये कहा कि तुम ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगी, एग्जर्शन ज्यादा मत लो और जो चल रहा है उसमें इंजॉय करो। आप भविष्य के लिए आपने क्या सोचा है? हाँ, भविष्य के लिए मैंने ये सोचा है कि जिस तरह से भगवान और मेरी फैमिली, जो मेरे पियर की फैमिली है और जो मेरे ससुराल की फैमिली है, ये जैसे सपोर्टिंग रहे हैं मेरे काम के लिए और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए और पीछे बैकबोन बने हुए हैं, वैसे ही मुझे इनका सहयोग तो मिलेगा ही। और इसके अलावा मैं अभी जिस एज में मैंने काम शुरू किया है, मैं सोच रही हूँ कि आने वाले जो मेरे और साल होंगे उसमें भी मैं कार्य ही करते रहूँ, ऐसे मेरा कार्य के प्रति ठहराव नहीं आए कि बस अब बहुत कर लिया, ये मैं नहीं चाहती। ब्लड डोनेशन वाला काम तो मेरा रोज का काम है, इसको तो मैंने ले ही रखा है। इसके अलावा हम लोगों की एक नेटवर्क है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, वो है वुमेन फोरम ग्रुप है हमारा, वुमेन मेंटर फोरम्स का ग्रुप है। गीतो जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा कभी भी कोई काम करने की इच्छा हो तो उसी वक्त बिल्कुल शुरू कर लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तक नहीं किया तो अब क्या करेंगे। लाइफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर बैठी हुई है, बस हमको उस रास्ते में निकलना है। और आपकी अगर इच्छा है कुछ अच्छे करने की तो आपको अच्छी राहें ज़रूर मिलेंगी। यानी कि जब जागो तभी सवेरा। हाँ बिल्कुल, मैं इस पे विश्वास करती हूँ, जब जागो जब सवेरा। ऋतु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।